अस्सलाम वालेकुम अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। जी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुबई में पाकिस्तानी आलू की एक्सपोर्ट के काम पर। इससे पहले भी मैं दो वीडियोस आलू के ऊपर बना चुका हूँ, जिसमें एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आलू हम कैसे पाकिस्तान में स्टोर कर सकते हैं, खरीद कैसे सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आलू किस तरीके से दुबई जाकर सेल होता है, और मैंने आपको उस वीडियो में दुबई की मंडी अल अवीर विजिट भी करवाई थी। लेकिन आज की वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि आलू दुबई कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, दुबई में कंपनी कैसे खोली जाएगी, पाकिस्तान में कंपनी कैसे खुलेगी, दुबई और पाकिस्तान की कंपनी खोलने पर आखिर कितने पैसे सर्फ होंगे, आलू आपको कितनी मालियत का उठाना पड़ेगा, और ये आलू कितने दिनों में पाकिस्तान से दुबई की मंडी में पहुँचेगा, और दुबई में इसको क्लियर कैसे करवाया जाएगा, दुबई की मंडी में माल पहुँचने के बाद माल को बेचा कैसे जाएगा, इन तमाम तफसीलात पे आज हम एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप फिर कमेंट बॉक्स में आकर ये ना पूछ रहे हो कि हमें फलां चीज़ का पता नहीं चला। इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी ध्यान से सुने और लास्ट तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अभी कोई सऊदी अरेबिया में कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर सऊदी अरेबिया से मुतल्लिक तकरीबन 10-12 वीडियोज़ जो है वो पड़ी हुई हैं कि कैसे हम सऊदी अरेबिया में कारोबार करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों आलू की एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको आलू को एक बड़ी तादाद में स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, आलू के पूरे साल की सिर्फ एक ही फसल आती है जो दिसंबर से लेके मार्च तक रहती है। शुरू शुरू में आलू जब नया नया आता है तो आलू की जिल्द कच्ची होती है, और 15 फरवरी से 30 मार्च तक आपने आलू स्टोर करना होता है, और हर सूरत स्टोर करना होता है क्योंकि इस दौरानिए में आलू की जिल्द तैयार हो चुकी होती है और आलू बिल्कुल रेडी होता है कि उसको स्टोर किया जाए। और इसी महीनों में 15 फरवरी से लेके 30 मार्च के दौरान ही आलू को स्टोर किया जाता है, और इस दौरान बहुत तेज़ी से फसलों में से आलू को निकाला जा रहा होता है, जिसकी वजह से आलू का रेट नीचे गिर जाता है और आप उस वक्त फ़ायदा उठाकर आलू स्टोर करेंगे। तो जी अब बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपने आलू कितना उठाना है कम से कम। तो इस बात का जवाब ये है कि आपने कम से कम 10 कंटेनर का माल लाजमी उठाना है। एक कंटेनर में 28,000 किलो से लेकर 30,000 किलो तक माल आता है। आपने 10 कंटेनरों का माल लाजमी उठाना है, यानी कि आपने 300 टन माल उठाना है जो कि 3,00,000 किलो आलू बनता है। ये 300 टन माल आपको तकरीबन 81,00,000 रुपए का मिलेगा, जो 28 रुपए केजी के हिसाब से पड़ेगा। ये माल आपने बोरियों में पैक करवा के कोल्ड स्टोर में रखवा लेना है। ये माल तकरीबन 2500 बोरियों में आसानी से पैक हो जाएगा। कोल्ड स्टोर वाला आपसे फी बोरी 1200 रुपए चार्ज करेगा। अगर 2500 बोरियों को 1200 के साथ ज़रब दे दी जाए तो ये 30,00,000 रुपए बनते हैं। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इस वक्त 81,00,000 का आलू और 30,00,000 रुपया उसको कोल्ड स्टोर में रखने के चार्जेस, यानी तकरीबन 1,11,00,000 रुपए आपके सर्व होने हैं शुरू में माल स्टोर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दुबई के लाइसेंस और कंपनी पर। दुबई का लाइसेंस आपको दुबई जाकर लेना पड़ेगा। उसके लिए आप दुबई जाएं, वहां पर जाकर आप कंपनी खोलें, इसका लाइसेंस हासिल करें, जो आपको तकरीबन 16,000 दिरहम में पड़ेगा। 16,000 दिरहम में लाइसेंस की फीस भी शामिल होगी, और उसमें आपका 2 साल के वीज़े की फ़ीस भी शामिल होगी, और साथ में जो एजेंट ने आपका ये काम करवाना है उस एजेंट की फ़ीस भी इसमें शामिल होगी। वीज़े की मियाद आपकी 2 साल होगी, और ये जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस लाइसेंस है इसकी मियाद आपकी 1 साल होगी। आपको इसको 1 साल के बाद दोबारा रीन्यू करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 10,000 दिरहम चाहिए होंगे। 10,000 दिरहम इसकी फ़ीस है। 10,000 दिरहम दे के आप 1 साल के लिए उसको दोबारा एक्सटेंड करवा सकते हैं। जब आपकी पाकिस्तान में कंपनी खोल जाए और दुबई में भी कंपनी खोल जाए, लाइसेंस का काम मुकम्मल हो जाए, लाइसेंसेस आपके हाथ में आ जाए, फिर आपने पाकिस्तान से आलू दुबई में भेजना है अपनी ही कंपनी को, जो आपने दुबई में खोली होगी। पाकिस्तान से आपने वो आलू अपनी ही कंपनी दुबई में भेजना है, और आपने वहाँ से आलू रिसीव करके देन फिर उसको आपने अल अवीर मंडी में ले जाकर सेल करना है।
अब दुबई में आलू एक्सपोर्ट करने का जो तरीकेकार है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने एक कंटेनर का माल स्टोर से निकाल कर आलू वॉश करने वाले प्लांट पर लेकर जाना है। वहां आपका आलू वॉश होगा और फिर ड्राई होकर 3-3 केजी की छोटी जाली वाली पैकिंग में पैक कर दिया जाएगा। ये सब काम करने का वॉशर वाला आपसे 4 रुपए केजी चार्ज करेगा, जिसमें वो आलू को धोकर ड्राई करके पैक करके आपके कंटेनर में लोड भी करेगा और 4 रुपए केजी आपसे चार्ज करेगा। आलू वॉश होते वक्त आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपका आलू वॉश होना है, रीफर कंटेनर जिसमें माल दुबई जाना है वो कंटेनर आलू वॉश वाली जगह पर मौजूद हो, फिर ही आपने अपना आलू स्टोर से निकाल के वॉश वाली जगह पर लेकर जाना है। उसी वक्त आलू वहां पर वॉश होगा और उसी वक्त उसकी वहां पर पैकिंग हो के माल फौरी रीफर कंटेनर में लगा दिया जाएगा, जो कि एक फ्रीजर वाला कंटेनर होता है। फिर उसमें आपका आलू खराब नहीं होगा, ज्यादा देर आलू बाहर रह नहीं सकता, आलू खराब होना शुरू हो जाता है। आपका कंटेनर दुपालपुर से कराची तक तकरीबन 3 से 3.5 दिनों में पहुंचता है और वहां पर 1 से 2 दिन उसको पोर्ट पे स्टे करवाया जाता है और फिर उसको जब लोड कर दिया जाता है जहाज में, तो जहाज चलने के तकरीबन 2 दिन के बाद माल दुबई पोर्ट पर पहुंच जाता है। तकरीबन 1 हफ्ते का सारा टाइम पीरियड है। 1 हफ्ते में दुपालपुर से चलकर आपका माल दुबई की मंडी अल अवीर में बिक रहा होगा इंशाल्लाह। और ये कंटेनर का तमाम प्रोसेस जो है वो आपका एजेंट ही हैंडल करेगा, जिसको हम फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। आपका ये फ्रेट फॉरवर्डर ही तमाम लीगल काम भी जो उसके होने हैं, जो कस्टम ड्यूटियां पे होनी है, जो कंटेनर उसने मैनेज करके आपको मंगवा कर देना है, उसने आपको दुपालपुर मंडी से लेकर दुबई पोर्ट तक की जो सर्विस है वो आपके पाकिस्तान में मौजूद एजेंट में आपको प्रोवाइड करनी है और इन तमाम कामों के पैसे भी आपका यही एजेंट आपसे लेगा। कंटेनर और शिप के चार्जेस $2,000 है, कस्टम क्लियरिंग और दूसरे चार्जेस ₹25,000 पाकिस्तानी है। पालपुर से कराची कंटेनर लेकर जाने के जो चार्जेस हैं वो ₹2,20,000 तकरीबन बनते हैं। ANF के 10,000 चार्जेस हैं, DEC के 10,000 चार्जेस हैं, पोर्ट के ऊपर जो आपका कंटेनर जाके खड़ा होना है उसके 40,000 चार्जेस हैं और 5,000 दीगर छोटे मोटे चार्जेस लगा लें। और आपके एजेंट की फीस जो ये सारा काम आपको करवा कर दे रहा होगा, उस एजेंट की फीस ₹15,000 है। और आज के हिसाब से जो डॉलर का रेट है उस हिसाब से ये जो मैंने आपको पैसे बताए हैं ये 8,70,000-80,000 के दरमियान बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारा कंटेनर दुबई पोर्ट पर पहुंच चुका है। अब वहां पर आपके दुबई के क्लियरिंग एजेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। कंटेनर पहुंचने से पहले ही आपने उसको डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं कि मेरा कंटेनर आ रहा है पाकिस्तान से, आपने इसको क्लियर करवाना है। तो जैसे ही कंटेनर दुबई पोर्ट पर पहुंचेगा आपका एजेंट उसको क्लियर करवा के आपको दे देगा। उसको क्लियर करवाने के तकरीबन 5,000 दिरहम चार्जेस आते हैं, यानी कि तकरीबन आपको ये टोटल सब कुछ मिला के पाकिस्तान के एजेंट के पैसे और दुबई के एजेंट के पैसे, ये टोटल आपका 12,80,000 चार्जेस आने हैं कंटेनर जब आपका मंडी में पहुंच जाएगा। इसमें कुछ चार्जेस ये शामिल होते हैं कि आपके एजेंट की फीस होती है, आपका वहां पे कस्टम क्लियर करवाना होता है दुबई में, और फिर उसका वहां पे जो ANF होता है और दूसरे दायरे होते हैं उस कंटेनर की चेकिंग करते हैं कि कोई मंशियात या कोई ममनुआ सामान तो आप नहीं ले आए, उसके चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। फिर जो ट्रक जिसने कंटेनर को लेकर आना है मंडी तक, उस ट्रक के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, एजेंट की फीस देनी पड़ेगी, अल अवीर मंडी में कंटेनर खड़े करने की फीस देनी पड़ेगी। ये सब चार्जेस मिलाकर 5,000 दिरहम बनता है। अब बात कर लेते हैं कि माल अल अवीर मंडी दुबई में पहुंच चुका है, अब इसको सेल कैसे किया जाएगा। मंडी में जो एजेंट होंगे अल अवीर मंडी में, वो आपका माल आसानी से सेल कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन में एक कंटेनर वह आसानी सेल हो जाता है। ये एजेंट आपका माल सेल करके आपको कैश रकम आपके हवाले कर देंगे और फिर अपनी कमीशन चार्ज करेंगे। तो आपने इनको इनकी कमीशन तब देनी है जब आपके पैसे आपके हाथ में आ जाएं। आपने डेली बेसिस में इनसे पैसे लेने हैं, इनको उधार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको एक कंटेनर बेच के इंशाल्लाह 7 से 9 लाख रुपए के दरमियान फायदा होगा और इसी तरतीब के साथ आप अपना बकिया माल भी दुबई लेकर जाएंगे और वहां पे जाकर बेचेंगे। एक साथ आपने 2 कंटेनर कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करने। इसकी तरीकेकार ये है कि आपने अपना माल निकाला स्टोर से, उसको तैयार करवाया और दुपालपुर से कंटेनर को रवाना कर दिया दुबई की तरफ। जब आपका कंटेनर दुबई पहुंच जाए तो उस दौरान आपने दोबारा पाकिस्तान के स्टोर से माल निकाल के उसको वॉश करवाना है, पूरा प्रोसेस करवाना है और दूसरे कंटेनर को भी पीछे रवाना कर देना है दुबई की तरफ।
होगा क्या कि जितने दिनों में आपका ये प्रोसेस चलेगा, आपका कंटेनर तकरीबन जब पहुंचेगा कराची पोर्ट पर, दूसरा कंटेनर तो उधर से पहला कंटेनर बिक गया होगा और उसके पैसे आपके हाथ में आ गए हो। इसी तरतीब से आपने काम को चलाना है। कभी भी लालच करके दो कंटेनर कभी भी आपने इकट्ठे नहीं भेजने वहां पर। यहाँ तो आपका काम बहुत हाई लेवल पे चला गया हो तो फिर चाहे आप चार कंटेनर एक हफ्ते में भेज दें, लेकिन शुरू में आपने एक कंटेनर ही लेकर जाना है, उसको बेचना है, फिर पीछे से दूसरा कंटेनर की तैयारी करनी है, फिर आपने माल बेचना है। ये भी साथ में याद रखें कि आपने सिर्फ 10 कंटेनरों का माल ही स्टोर किया हुआ है, और जैसे ही आपका 10 कंटेनरों का माल खत्म होगा, फिर आपको आफ्टर मार्केट जो दूसरे लोगों ने माल स्टोर किया होता है बेचने की नीयत से, उन लोगों से फिर आपको माल जो है वो उठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो माल थोड़ा आपको महंगा मिलेगा उस माल से जो आपने खुद स्टोर किया था। तो ये तरीकेकार है यहाँ से एक्सपोर्ट करने का। आइंदा सालों में आप फिर उतना ही ज़्यादा माल स्टोर कीजिएगा जितनी आपकी वहाँ पर खपत हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और भी दूसरे लोग इस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।